चाइना सुप्रीम क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कोई क्लास नहीं लेने वाले, आज इनक्वालिटी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, उस पर बेस्ड हम कुछ बात बताने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जिससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ इनक्वालिटी, कि आपके पास जो असाइनमेंट इस समय अवेलेबल है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो मैं लेक्चर वाइज यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है जो आपको पूरे प्रिपरेशन में काम आएगा। क्या क्या है? सबसे पहले जो लोग हम लोग क्वेश्चंस क्लास में कराते हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो थ्योरी दी जाती है, यानी थ्योरी विद क्वेश्चंस, आपका ये एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए पूरे प्रिपरेशन के दौरान, ठीक। ओके, उसके बाद आपको एक पास एक एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट को कॉपी, क्वेश्चंस को असाइनमेंट वाले करोगे वहाँ पे, ठीक है। और थर्ड वो होना चाहिए जो आप खुद पर्सनल डाउट या किसी बुक से या किसी असाइनमेंट से या कहीं से भी, आप अगर एकेडमिक में हो तो वहाँ से भी शायद आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तो उसका एक अलग नोट बनाना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास कोचिंग के थ्रू जो नोट्स आपके पास होने चाहिए, सिर्फ दो होने चाहिए, एक जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं क्वेश्चन विथ थ्योरी, और साथ ही साथ आपके जो सीट के क्वेश्चन होंगे उसके अलग रफ या जो भी आप कॉपी बना सकते हो आपकी इच्छा, ठीक है। दो कॉपी जरूर होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों ने 5 लेक्चर इनक्वालिटी के पढ़ लिए, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे आपको असाइनमेंट लिखा है। सो लेक्चर 1 में ये सारे क्वेश्चन नंबरिंग है, आप पढ़ लो यहाँ पे, ठीक। लेक्चर 2 में भी क्वेश्चन है, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। लेक्चर 4 में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये मुश्किल से 10-10 सेकेंड के क्वेश्चन है। लास्ट में 2-4 क्वेश्चन अच्छे आएंगे बीच में, लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें क्वार्टिक कॉन्सेप्ट के ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आपको 3 फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा लेक्चर नंबर 4 में, आप जाके देखो। तो लेक्चर 4 वीडियो देखने बाद ही ये देखना है। तो इसमें से कोई भी असाइनमेंट करने से पहले आपको ये श्योर होना चाहिए कि सिक्वेंस वाइज करना है। पहले लेक्चर 1 अच्छे से वीडियो देख लो, समझ लो अच्छे से, उसके बाद आपको लेक्चर 1 के सारे कंप्लीट क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक। उसी बेस्ड है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप लेक्चर 1 अच्छे से देखे हो, नोट्स बनाए हो प्रॉपर, कॉपी अलग से होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर लेक्चर 2 तभी आना है जब लेक्चर 1 के सारे क्वेश्चन श्योर हो जाए। कोई डाउट होता है तो आप सुप्रीम सिस्टी के ऐप पे क्वेरी भेज सकते हो, ठीक है, हम लोग सॉल्व कर भेज देंगे। उसके बाद लेक्चर 2 एंड देन 3, 4 एंड लास्टिंग 5, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब इसमें मैंने कुछ जगहों पर सर्कल बनाया है, देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो 5 सर्किल है। तो इस सर्किल का मतलब है कि जब सीट आप इन क्वालिटी को आप सुप्रीम सिस्टी के ऐप से डाउनलोड कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको मिल रहा होगा पीडीएफ फाइल में, तो वहाँ पे ये जो 5 क्वेश्चन है इसके थोड़ा आंसर में मिस्टेक्स है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आंसर बता देता हूँ कि इसका क्या क्या आएगा, फिर आप लगा के चेक कर लेना कि वास्तव में क्या यही आता है, कुछ अलग आता है, ठीक है। तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इस तरह का आपके सामने इन क्वालिटी नाम का चैप्टर का आपके पास असाइनमेंट पड़ा होगा पीडीएफ फाइल में, ठीक है, आप वहाँ जाके देखो। तो मैं 21 का आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आंसर इज 21, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 21 का आंसर लिख रहा हूँ। सो 21 का जो आंसर होगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 2, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है लेकिन असाइनमेंट में ओपन इंटरवल लगा होगा। तो ये आप आंसर की पहले आप बना लो, उसके बाद मैं 33 का आंसर दूँ, आयो बन गया होगा। अब हम बात करते हैं 33 का। तो 33 का इसमें आंसर है x बिलोंग्स टू -2, -1, यहाँ पे ओपन रहेगा, यूनियन 1 से 3। तो जो आपके आंसर की में है यहाँ पे क्लोज लगा है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 33 भी हो गया, इसको आप नोट कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो 33 के बाद है 38। 38 नंबर है x बिलोंग्स टू -2 पे क्लोज -∞, ठीक। तो ये रहा 38 का आंसर। और लास्ट है, नहीं अभी दो और बचा है, 57 देख लेते हैं। सो 57 इज काफ़ी लेंथी है, x बिलोंग्स टू -∞, -1, ओपन इंटरवल यूनियन 4 से ∞, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे आंसर है। एंड लास्ट है आपके सामने 68।
68 का आंसर देख लेते हैं क्या है. 68 इज एक्स बिलोंग्स टू -2, -1 यूनियन 2, 3. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ आंसर की में प्रॉब्लम्स थे मैंने लिख लिया. अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन लगाते समय प्लीज़ आप सुप्रीम सिटी कैप पे क्वेरी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व कर दिखा दूँगा. ठीक है, बता दूँगा, आप अच्छे से उसको समझ लेना. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.